श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के शिवपुरी प्रवास के दौरान अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में ग्राम गणेश खेड़ा में विकास यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें श्रीमंत के द्वारा शासन की चलाई जा रही अनेकों योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया। इसी के साथ ही अनेक लोगों के आवेदन भी श्रीमंत के द्वारा लिए गए। कुछ हितग्राहियों की समस्या का निराकरण न होने पर श्रीमंत के द्वारा कलेक्टर को निर्देश दिए गए थे कि कल पुनः सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समस्या निवारण शिविर का आयोजन कर सभी की समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी क्रम में निर्देश का पालन करते हुए जिला सीईओ उमराव सिंह मरावी की निगरानी में गणेश खेड़ा में समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जहां आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आए, वहीं प्रशासनिक अमला उनकी समस्या सुन समस्या का निराकरण करता हुआ दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में जिला सीईओ उमराव सिंह मरावी, जनपद सीईओ पुष्पेंद्र व्यास, नायब तहसीलदार किरण सिंह, विद्युत विभाग एई घनश्याम प्रसाद दक्ष, साथ ही श्रीमंत मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र शिवहरे, केरन सिंह लोधी मंडल अध्यक्ष खोड़, राम प्रकाश लोधी सरपंच गणेश खेड़ा उपस्थित रहे। खोड़ से आविद बख्श की रिपोर्ट। हमारी बेटियां के कन्यादान में 1,18,000 देकर अपने ही घर चलाए। हमारे जो पूरी योजनाएं मध्य प्रदेश की चल रही है वो आज एक जीवन काल की योजना है। सर, श्रीमंत महाराज साहब के निर्देशन में जो शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें कितने आवेदन प्राप्त हुए आपको और उनका मौके पर कितने आवेदनों का निराकरण किया गया? आज हम गणेश खेड़ा में जनसुनवाई शिविर लगाया था। इसमें समस्त विभाग के कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और इस शिविर में हमें जो है पात्रता पर्ची कर्मकार मंडल के टोटल 82 आवेदन, राजस्व विभाग के 33 आवेदन और MPB के 9 आवेदन और प्रधानमंत्री आवास के 18 आवेदन, पेंशन के 6, सामाजिक न्याय के 2, महिला बाल विकास के 2 और खाद्य विभाग के 7 और शिक्षा विभाग से 2, इस प्रकार 165 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं और इनमें से 4 आवेदनों का निराकरण त्वरित यहीं पर कर दिया गया है। 2 लोगों के पेंशन स्वीकृत कर दिए हैं और 2 लोगों के लाड़ी लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र जारी। सर, इस तरह के शिविर किसी और पंचायत में भी आयोजन किया जाएगा क्या? ये शिविर जहाँ जहाँ विकास यात्रा जाएगी वहाँ पहले से हम शिविर लगाएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। ठीक।